नमस्कार दोस्तों, रिदम अनबॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमने सोचा क्यों ना मम्मी पापा को उसी दुकान से चाउमीन टेस्ट करवाया जाए। तो मम्मी से पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो मम्मी बोली सूप। हम निकल पड़े सूप और चाउमीन लेने के लिए। चाउमीन खाने के बाद वैसे भी सबका पेट भर जाता है, डिनर बनाने की ज़रूरत ही नहीं। रास्ते में एक होम्योपैथी डॉक्टर से हमें मम्मी के कैटरेक्ट का मेडिसिन लेना था। उनका दावा है कि अगर इनिशियल स्टेज में कैटरेक्ट को होम्योपैथी से इलाज किया जाए तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि ऑपरेशन के बिना ही कैटरेक्ट ठीक हो जाए तो अच्छा है। वैसे भी आई स्पेशलिस्ट ने कहा है कि एक साल के बाद भी ऑपरेशन का चांस चलेगा, तो एक साल तक होम्योपैथी मेडिसिन खाकर देखने में कोई बुराई नहीं है। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम वहाँ से फिर निकले अपने डेस्टिनेशन के लिए। और रास्ते का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए अपने फेवरेट फास्ट फूड स्टॉल पे, जिसका नाम है, क्या नाम है याद है आपको, जिसका नाम है दिविशा किचन। देख लीजिए दोस्तों, आप ही के लिए ये फ्रीज किया मैंने। सभी इसका एड्रेस पूछते रहते हैं, आज मैंने पूरा रास्ता दिखा दिया वीडियो में, तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। देखिए रितिका की स्माइल चाउमीन खाने के लिए। तो हम चाउमीन और मनचाओ सूप पार्सल करा के निकल पड़े और पहुंच गए फटाफट से अपने घर। घर में एक घर पहुंचने के बाद एक मिस हैपनिंग हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारा सूप गिर गया, बट जितना बचा वो सबको पूरा हो गया। और एक बुरी बात है कि हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, सूप पीने की हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। लेकिन चाउमीन चाउमीन उतना ही टेस्टी हर बार की तरह, और मम्मी पापा को काफ़ी पसंद आया। चलिए पूछते हैं मम्मी को कैसा लगा चाउमीन। ये आ गया है सबका चाउमीन। तो चाउमीन खा के बताइए कैसा लगा। चलिए पापा से पूछते हैं, पापा थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। कैसा लग रहा है? इसमें जोर से बोलना पड़ता है। और दिक्कत है, एकदम शांति से खा रही है चाउमीन की शौकीन। फाइनली हमने सारा प्लेट खाली कर डाला। तो वीडियो को एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।